पूछ रहा हूँ बिटिया, दिस इज जेवियन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ FEM, प्रोग्राम BSc BEd PCM 5th SEM एंड कोर्स इज पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। सेशन ऑफ टुडे इज ओपन सेंटेंसेस एंड क्लोज सेंटेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंस इन मैथमेटिक्स? ओपन सेंटेंस, ए सेंटेंस इज कॉल्ड ओपन व्हेन इट इज नॉट नोन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। क्लोज सेंटेंस, ए क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज आइदर ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव सम एग्जाम्पल। नंबर वन, 8 इज एन इवन नंबर, सो दिस इज क्लोज्ड, इट इज बिकॉज 8 इज इवन नंबर, इट इज ट्रू। 9 इज इवन नंबर, इट इज फॉल्स, सो वी कैन से क्लियर कट इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। इफ एनी सेंटेंस इज ईदर ट्रू और फॉल्स, देन इट इज द क्लोज्ड सेंटेंस। ओपन सेंटेंस, ए सेंटेंस इज कॉल्ड ओपन व्हेन इट इज नॉट नोन इट इज ट्रू और फॉल्स। सपोज ए एग्जाम्पल इज n इज एन इवन नंबर, n इज वेरिएबल, हियर इट इज ओपन, कुड बी ट्रू और फॉल्स, इट डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ n। हेंस ओपन सेंटेंस कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट वैल्यू आर यूज्ड। सो हियर क्लोज सेंटेंस इज सम नंबर्स एंड ओपन, इन ओपन सेंटेंस वी हैव टू यूज सम वेरिएबल्स और वेरिएबल्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर। सो नेक्स्ट, मैथमेटिकल सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट अबाउट टू एक्सप्रेशंस। द टू एक्सप्रेशन आइदर यूज नंबर्स वेरिएबल और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ए मैथमेटिकल सेंटेंस कैन आल्सो यूज सिंबल और वर्ड लाइक इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन। एन ओपन सेंटेंस इन मैथ मीन्स दैट इट यूजेज वेरिएबल, मीनिंग दैट इट इज नॉट नोन वेदर और नॉट द मैथमेटिकल सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। अगर हम किसी सेंटेंस के बारे में क्लियरली ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंस कहेंगे। क्लोज सेंटेंस ऑन द अदर हैंड, इट इज मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज नोन टू बी ईदर ट्रू और फॉल्स। हम क्लियर कह सकते हैं कि ये ट्रू है और फॉल्स है। Before we look at open sentence, let us look at some example of true closed sentence in mathematics. 9 is odd number, it is true, hence it is closed sentence. 8 is odd number, it is false, hence it is closed sentence. 5 greater than 3, this is true, hence it is closed sentence. 5 less than 3, it is false, hence it is closed sentence. But in open sentences, we get open sentences when we use variables in mathematical sentence. Mathematical sentence में जब भी variable का use होता है तो फिर हम डेफिनेटली उसके आंसर के बारे में कह नहीं सकते हैं और उसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट होगी उसके ऊपर उस कथन की सत्यता निर्भर करेगी। इसलिए इसको ओपन सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि ये किसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो हम फाइंड आउट करेंगे। हियर आर सम एग्जाम्पल।
the obtuse angle in n degree. The obtuse angle is n degree. N is variable. So it depends on the value of n. If we have the value of n, then we can say about the sentence whether it is true or false. If we have no value of n, then we cannot say about the true or false, or this sentence is open. Next, x plus y is equal to 5. Here the truancy of this statement is depend on the value of x and y. Until or unless we cannot know, we are not knowing the value of x and y, we cannot say about the about this sentence. 4 minus 3 is equal to x. A square has n side. 5 plus y is equal to x. This is all example of the mathematical sentence or expression may or may not be true depending on the value of the variable x, y and n. These mathematical sentence simply lack the proper knowledge needed to know whether or not the expression are true or false. So this is open sentence. These are the example of open sentence, or generally in open sentence we have to use the variables. So I hope you all are satisfied with this session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you very much. See you again.